नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज सुबह सुबह ये खबर आई कि एनएसए अजीत डोवाल जी रशिया की विजिट पर जा रहे हैं, और उसमें भी खास करके उनका जो पर्पज है विजिट का वो ये है कि वहां पर रशिया यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसके बीच में पीस टॉक्स करवाने के लिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स करवाने के लिए एनएसए अजीत डोवाल वहां पर जा रहे हैं। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, तो उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही में अंत में हमने एक अजीत डोवाल जी की एक छोटी सी स्पीच लगाई है, वो भी आप सुनना ना भूलें। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ ही समय पहले यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया और उसमें उसका जो कुर्स्क नामक एक एरिया है उसको अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही वो ऑफेंसिव लॉन्च किया गया और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई उसके बाद रशिया का स्टेटमेंट आया कि रशिया यूक्रेन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसी के साथ रशिया ने यह भी बयान दिया कि अगर यूएस लेड वेस्ट यूक्रेन को इसी तरह से सपोर्ट करना चालू रखता है, इसी तरह से वहां पर अपने जहाज अपने हथियार भेजते रहता है, तो रशिया की जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी वो उनको बदलनी पड़ेगी। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे यूक्रेन को और वेस्ट को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी। तो उस समय माहौल बहुत ही गर्म था, टेम्परेचर बहुत ही हाई था, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद रशिया में से एक और स्टेटमेंट निकल कर आया जिसमें यह बताया गया कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स होंगी तो वो इंडिया चाइना और ब्राजील की उपस्थिति में होगी, या फिर इंडिया चाइना और ब्राजील को साथ में रखकर ही हो पाएगी। अब इंडिया चाइना और ब्राजील की अगर बात करें तो चाइना और ब्राजील दोनों ही प्रो रशिया हैं और दोनों ही वेस्ट के जो एजेंडाज हैं और उनकी जो जियोपॉलिटिकल गेम्स हैं उनसे त्रस्त है। अगर बात करें भारत की तो भारत हाल में जियोपॉलिटिकली बहुत ही अच्छे से नेविगेट कर रहा है, वो भी हम लोग भी प्रो रशिया हैं, लेकिन साथ ही हाल में जो भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी लेड भारत की सरकार इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में जो अप्रोच दिखाया है वो एक बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच दिखाया है, जिसके चलते भारत एक बहुत ही क्रूशियल पोजीशन में आ जाता है जहां पर यूएस लेड वेस्ट पूरा एक तरफ है, यूक्रेन की साइड है, जहां पर ब्राजील और चाइना और कुछ अन्य कंट्रीज हैं जो प्रो रशिया है, जहां पर भारत है जो सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जिसकी बात जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही मायने रखती है, ऐसी एक ही कंट्री है जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल अप्रोच लेकर चल रही है। तो उसी के चलते भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही यूनिक पोजीशन में आ जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया। पहले वो रशिया की विजिट पर गए और उसके बाद वे यूक्रेन की विजिट पर गए। यूक्रेन की विजिट में भी खास चीज ये थी कि 1991 में जब यूक्रेन आजाद हुआ तब से लेकर आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी विजिट यूक्रेन में नहीं की गई। तो ये जो नरेंद्र मोदी की यूक्रेन विजिट वो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के इंडिपेंडेंट इतिहास में सबसे पहली विजिट कंसिडर की जाएगी। तो इसी प्रकार से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, उनके जो एजेंसीज हैं और जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन लोगों ने बहुत ही बैलेंस अप्रोच अपनाया है, दोनों ही साइड को बैलेंस करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्टेटमेंट्स भी उसी अनुसार दे रहे हैं। तो उसी के ऊपर चलते हुए रशिया ने ये जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, भारत उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारत एक पहल थी। यूक्रेन विजिट के बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी जी भारत वापस आए, उन्होंने जो बाइडेन से और पुतिन से दोनों से ही बात की, इसी प्रकार से सभी के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर रखा। और साथ ही में ये बताया जा रहा है कुछ सूत्रों के अनुसार कि उसी समय जब पुतिन से उन्होंने बात की थी टेलीफोन, उसी समय उन्होंने अजीत डोवाल जी की ये जो विजिट है जो कि एक हफ्ते के अंदर होने जाने वाली है, उस विजिट के बारे में बात भी कर ली। तो इसी प्रकार से ये जो अजीत डोवाल जी की विजिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये विजिट ऑलरेडी कुछ समय पहले ही तय हो गई, इसका डिक्लेरेशन आज ही आया है। तो इसीलिए ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हाल में ये जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जिस तरह से यूक्रेन को अलग अलग हथियार वेस्ट कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करते जा रहा है, भले ही जो आम यूक्रेनियंस है वो लोग लड़ना ना चाहते हो, फिर भी इसी प्रकार से यूक्रेनियंस को, जो आम यूक्रेनियंस है, एवरेज यूक्रेनियंस है, उनको युद्ध में धकेला जा रहा है और रशिया को इस युद्ध में
खींचा जा रहा है जस्ट बिकॉज यूक्रेन वॉन्ट्स टू बी द पार्ट ऑफ नेटो एंड नेटो वॉन्ट्स टू प्रूव इट्स प्रेजेंस वॉन्ट्स टू पुट इट्स फुट डाउन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ रशिया। तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उसको जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वो और भी कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, या फिर उसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज द्वारा, अलग अलग लीडर्स के द्वारा, और कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों के वो इसमें से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे तो रशिया का पतन देखना चाहते हैं, जिसके चलते इस युद्ध को कॉन्स्टेंटली ऑन फ्लेम्स ऑन फायर रखा जा रहा है, उसमें फ्यूल डाला जा रहा है कॉन्स्टेंट, ताकि ये जो युद्ध है वो चलता रहे और वे लोग उसमें से बेनिफिट लेते रहे और रशिया का जो डोमिनेंस है, जो उसका पावर है, उस और भी कमजोर किया जाए। तो उसी के चलते ये रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है उसको कॉन्स्टेंटली चालू रखा जा रहा है, लेकिन उसको रिजोल्व करने के लिए रशिया ने कई बार पहल की है, उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि वे लोग पीस टॉक्स के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़ेलेंस्की है उसको चाबी भर भर के भड़काया जा रहा है और रशिया के खिलाफ कॉन्स्टेंटली ऑपरेशंस करने के लिए और कॉन्स्टेंटली युद्ध करते रहने के उसको उत्तेजित किया जा रहा है। और इसी सब कॉम्प्लिकेशंस में भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक रोल प्ले कर रहा है, जहां पर वो दोनों ही साइड के बीच में एक बैलेंस अप्रोच लेकर चल रहा है, और अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाते, जिसके चांसेस हैं कम है लेकिन है, और अगर ये पीस टॉक भारत के माध्यम से सक्सेसफुल हो जाते तो भारत को दोनों ही साइड पर बहुत सारी लेवरेज मिल सकते, चाहे वो यूएस लेड वेस्ट की साइड हो या फिर रशिया की। तो इसी प्रकार से जियोपॉलिटिक्स में भारत ऑलरेडी अपना गेम बहुत ही अच्छे से खेल रहा था, एक और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, और उसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं एक ऐसे इंसान जिसने खालिस्तानियों को चकमा दिया, जिसने सालों तक पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों को चकमा दिया और ऐसे कई सारे ऑपरेशंस सक्सेसफुली कम्प्लीट, जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी। हम बात कर रहे हैं एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोवल। तो वो अगले हफ्ते जाने वाले हैं रशिया यूक्रेन के बीच में पीस टॉक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं, ये पूरा अप्रोच है जो भारत के द्वारा लिया जा रहा है और जिस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में, और जिस तरह के लोगों को भी इन्वॉल्व किया है उसके बारे में, ये हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। अंत में अजीत डोवल जी की एक छोटी सी स्पीच है, वो सुने बिना ना जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। When Prime Minister Attlee was told, and he came to this thing and he was staying with the Chief Justice at that time, he said, why did you leave India? After all, you had won the Second World War. Gandhi had almost got this thing like that. The worst was over. The Quit India movement had flopped in 1942. What was Swatmachar tearing hurry in 47 that you said that, no, we have to go immediately? He said it was not that. It was the spark that Bose had created among the soldiers of the Indian Army. And we had seen 1857, 2.5 million, 25 lakh Indian soldiers had returned from victorious from the Second World War. And when the incidents like this started taking place, there was this thing, revolt in the Karachi Naval Dock base, there was this thing in Jabalpur, there was this thing in Asansol, in so many places, and people joined the INA. He said, we knew we would not be able to take this country and hold this country. It was the threat of Subhash Bose, a rising of Indian nationalism, that we knew it's a matter of time. And if you do not quit voluntarily, we will cook in a way that will be a bloodbath.